नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है। आप देख रहे हैं नवयो सिटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मना रहे हैं इंडिया इंडिपेंडेंस डे वीक, यानी कि पूरा पूरा सप्ताह देश के नाम। मनाएं भी क्यों ना, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और इस आज़ादी को महसूस करते हुए इस पूरे कड़ी में, सप्ताह की इस कड़ी में बीच हमारे मौजूद हैं विधायक, नगर विधायक, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी। मैं आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ अपने इस कार्यक्रम में। पूरी स्वतंत्रता जब हमको मिली थी, उस समय क्या चैलेंजेस थे भारत के सामने? सर्वप्रथम तो जो आपका टॉपिक है उसमें मैं अपने देशवासियों प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया और जिसकी वजह से आज हम खुली सभा में सांस ले रहे हैं और हमारा देश जो है लगातार तरक्की कर रहा है। अब आपके प्रश्न पर आ जाएं। जो आपने प्रश्न पूछा, चैलेंजेस बहुत सारे थे उस समय जब देश आज़ाद हुआ और जिन लोगों ने आज़ादी में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, कुछ लोग वो पीछे रह गए और जिन लोगों ने कुछ नहीं करा वो लोग आगे आ गए और पॉलिटिक्स जो है वो हावी हो गई। इस तरह कई सारी चीज़ें। अब बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत समय लग जाएगा। इतिहास की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये सब चीज़ें हुई हैं। जिन्होंने कुछ नहीं करा वो आगे आएगा, जिन्होंने करा और जिन्होंने असली बलिदान करा उनका कहीं नाम नहीं आया, सिर्फ वो दिल से देश के प्रति लगे रहे और अपना बलिदान दिया। तो इससे कई सारी बातें हैं। तो आज़ादी के समय एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, सभी को पता है कि कश्मीर के मुद्दे पर धारा 370 लगाया गया था और कश्मीर को एक नए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और अभी जस्ट इतने साल बाद फिर वो चेंजेस आया है। उस विषय में कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि जो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद चुनाव हुआ तो जब कश्मीर वाला मुद्दा उठा, मैं समझता हूँ तो कश्मीर को जो है एक अलग उसका दर्जा दिया गया, जिसमें कि ये डिसाइड हुआ कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होगा, कश्मीर का अलग निशान होगा, कश्मीर का अलग संविधान होगा। तो एक किस्म से आज़ादी मिलने के बाद भी कश्मीर हमारा नहीं था और उसमें अलग प्रधानमंत्री बनना, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत ही विडम्बना की बात है कि हमारे नेताओं ने ऐसा करा और ऐसा हुआ। लेकिन इसमें कश्मीर तो स्वतंत्र था ना कहीं ना कहीं। पर जब 1952 में, मैं समझता हूँ, चुनाव हुआ और जब जनसंघ सत्ता में आया और जनसंघ कहते हैं चुनाव लड़ा और उनको अच्छा पब्लिक का सपोर्ट मिला और 3 सीटें जनसंघ की आई, तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक थे जनसंघ के, उन्होंने जब ये देखा कि ये देश किस राह पे जा रहा है और क्या देश में हो रहा है, एक देश होते हुए भी अलग विधान और अलग निशान और अलग प्रधान, तो ऐसा नहीं चलेगा, तो उन्होंने इसका वीडा उठाया और अपनी राजनीतिक मंशा ना देखते हुए भी उन्होंने आंदोलन करा और उन्होंने कश्मीर जाकर झंडा फहराने की बात कही और कश्मीर जाकर आंदोलन करने की बात कही। तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश जो है सिनारियो हिल गया उनके इस आंदोलन से और एक विकराल रूप लिया और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर जाने का उनका फैसला हुआ और उसमें जो उनकी हत्या हुई उसके बारे में आज तक भी जांच समिति नहीं बैठी। ये सब बातें हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खाने की बात जो है उसके लिए हमें मजबूर करती हैं सोचने के लिए कि देश में क्या सब चला। लेकिन वो चलने के बाद अभी कुछ समय पहले एक बहुत अच्छी सूचना आई और वो संसद में वही धारा जो 370 था, साथ में 35A आर्टिकल को भी हटा दिया गया। 1952 में जो सोच, मैं समझता हूँ कि हमारे बड़े लोगों की रही, सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही, श्याम प्रसाद मुखर्जी की रही, तो वो सोच मैं समझता हूँ कि आज उनकी सोच पूरी हो रही है। अटल बिहारी जी भी साथ में गए, उनके मुरली मनोहर जोशी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, तो ये सभी लोगों ने जो उस टाइम मुद्दा उठाया और देश की भलाई के लिए उठाया और कहना है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए उठाया कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो कहीं खो ना जाए, हिंदुत्व कहीं गायब ना हो जाए, तो जो मुद्दा उन्होंने उस टाइम उठाया वो आज नरेंद्र मोदी के रूप में जो अवतार हमें मिले हैं उन्होंने उस चीज़ को पूरा करा और आज मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं देश को बहुत खुशी है और देश में एक लहर है कि जो कश्मीर जो है वो एक हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और आज एक ही विधान है, एक ही संविधान है, एक ही निशान है और एक ही विधान है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए उसको ऑक्युपाई करने की बात कही जा रही थी? हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में सभी वर्गों के लोग हैं, उसमें सभी लोग उसमें जुड़ते हैं और सभी लोग का एक गुलदस्ता है, मैं समझता हूँ। बट किसी भी वर्ग को जो है वर्चस्व नहीं मिलना चाहिए, किसी वर्ग को आगे मैं समझता हूँ कि विलुप्ति नहीं होनी चाहिए, सभी को एक समान लेके चलना चाहिए। तो एक विशेष वर्ग को मैं समझता हूँ कि महत्व नहीं मिलना चाहिए, सभी को एक समान लेके चले, ये हिंदुस्तान की सोच रही है। शुरू से हिंदुस्तान ने सभी को शरण दी है, चाहे वो कहीं से भी आए, हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है और बट जो देश चलाने का तरीका है और जो देश का संविधान है उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये मतलब आपके हिसाब से धारा 370 लगाई गई थी, उस एक्ट लगाया गया था, साथ में आर्टिकल 335A जो जोड़ा गया था, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, नेहरू जी के थ्रू जब ये हुआ था, वो
गलत फैसला था आपके हिसाब से? उस समय अब क्या फैसले हुए, किस समय पे जो उनका विरोध करा गया जनसंघ द्वारा और जो देश के आज़ादी में जिन्होंने भाग लिया और जिन्होंने सब कुछ उस टाइम देखा हुआ, तो आज वो लगता है कि वो फैसला गलत हुआ था उस टाइम पे। और 70 साल से आप देखिए ना, हमारा जो एक पार्ट हिंदुस्तान है कश्मीर है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है और कश्मीर की जनता कहाँ जा रही है, और कश्मीर कहाँ है आज? ना कोई तरक्की, ना कोई वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, ना वहाँ पर संविधान का पालन हो रहा है, ना वहाँ पर लोगों को तरक्की मिल रही है। आज लोग जो है वहाँ पर आतंकवाद की उसमें जो हमें जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप देखिए, आपको कुछ डिफरेंस पता लग जाएगा क्या डिफरेंस है। कभी भी जब कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, तो अभी ये जो हुआ इसका सिर्फ आपको पॉजिटिव दिख रहा है या निगेटिव भी कुछ दिख रहा है? पॉजिटिव देख रहा है, पॉजिटिविटी के लिए हुआ है, बहुत स्टडी किया गया है। क्या कुछ मिलेगा कश्मीरियों? एक अभिन्न अंग जो हिंदुस्तान का था, जो अलग था, उसको मुख्य धारा में लाया जाएगा। हिंदुस्तान के लिए हो गया, कश्मीरियों क्या? कश्मीर को मुख्य धारा में लाया जाएगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का जो अभिन्न अंग है, अभी फिलहाल हिंदुस्तान से जो तरक्की वहाँ नहीं हो पा रही थी, वो तरक्की वहाँ पर होगी। जो नियम कानून यहाँ हिंदुस्तान में चल रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है और छोटी बच्चों की शादी नहीं होनी है, ये सब वहाँ पर कहाँ लागू हो रहा था नियम? और वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं जा पा रही थी, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, वहाँ अच्छा पर्यटक स्थल ही नहीं बन पा रही थी। तो ये सब चीज़ें वहाँ होंगी तो नेचुरली वहाँ की जनता को तरक्की मिलेगी और मुल्क आगे बढ़ेगा, और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का जो एक भाग है कश्मीर, वो अपने आप में मैं सोचता हूँ कि दुनिया में उसका नाम होगा। मतलब कश्मीर के जो लोग हैं उनका जो पूरा इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के वजह से चलता है। बीच में पर्यटन बिल्कुल वहाँ पे ठप हो चुका था, जिस वजह से कश्मीरियों को दिक्कत भी हो रही थी। अब मुझे लगता है कि ये एक्ट हटने के बाद लोग शायद फ्रीली वहाँ जा सकेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि शायद अब कश्मीर के लोग स्वतंत्र रूप से साथ रह सकेंगे। बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारी बातें हैं, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वतंत्र रहेंगे। आप अभी लोकसभा में जो सांसद हमारे लेके हैं लद्दाख के, कारगिल साहब, उन्होंने इतना अच्छा बोला, और वो कितनी तकलीफ में रह रहे थे वहाँ पर, क्या उन्होंने अपना दर्द बयान करा, तो अपने आप बताते हैं कि लोग कितनी मुश्किल जीवन वहाँ पर जी रहे थे। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि कश्मीर अब आज़ाद हो गया? कश्मीर आज़ाद ही है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और रहेगा। अच्छा, तो यानी कि देखा जाए तो कश्मीर जब 1947 से लेकर के अब 2019 आ गया है, इस बीच कश्मीर जो है अब आज़ाद हो गया, आज़ादी से आज़ादी तक का सफ़र हो गया। तो दोस्तों, आप हमारे बीच विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं और बहुत सारे विषय हैं। फिलहाल एक विषय हम जो आपको बताना चाह रहे थे कि 370 धारा हटने से कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा होगा, मुझे लगता है कि आपको मालूम चल गया होगा। तो दोस्तों, ये सारा विषय यदि आपको अच्छा लग रहा है, सारी जानकारियाँ हमारी अच्छी लग रही हैं, तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन दबाएंगे। बेल आइकन इसलिए दबाएंगे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप हमारे वीडियोस को पहले देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।